मॉर्निंग किड्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन। ओके बच्चों, आज रिवीजन में मैं आप लोगों को पार्ट ए प्रार्थना, इसकी मैं रिवीजन करवा रही हूँ, मिली जुली रिवीजन दूंगी। ओके तो देखिए, जैसे कि पहला मैंने प्रश्न लिखा है, ईश्वर 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 शब्द का अर्थ और क्या होगा, क्या होगा। आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट आंसर पे मार्क करना होगा। ओके तो ईश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान। तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर है भगवान। ओके भगवान। प्रश्न दो, इस प्रार्थना में बच्चा ईश्वर से क्या चाहता है? सच्चे बने रहना, हमें सच्चा ज्ञान देना, निर्बल का बनना या सभी? तो इसका आंसर क्या है? सभी। ओके क्या बनकर अंधेरा हरने की बात की गई है? सूरज, चांद, तारे या सभी? तो प्रश्न दो मैं लिख रही हूं, क्या बनकर कर क्या बनकर अभी यारा अंधियारा हरने की बात की गई? तो उत्तर है बच्चों, उत्तर क्या है? सूरज। सूरज ये आप लोग कॉपी पे करेंगे। ओके बच्चे मन के सच्चे कैसे होते हैं? तो बच्चे मन के कैसे होते हैं? साफ होते हैं। हमारे माता पिता बंधु सखा कौन है? ईश्वर। ये करवा रही हूँ, प्रश्न सारे नहीं लिखवा रही हूँ, रैंडमली लिखवा रही हूँ बेटा मैं। हमारे माता पिता बंधु सखा कौन है? कौन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ईश्वर। उत्तर तीन क्या है? ईश्वर। ईश्वर। ओके प्रश्न चार, प्रश्न चार है, दुनिया का दुख कैसे दूर हो सकता है? दूसरों की सहायता करके। ओके जहां ज्ञान का दीप जले वहां क्या होता है? दुख नहीं रहता। ओके प्रश्न चार, जहां ज्ञान का, ये चार क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिखेंगे और इसका फोटो क्लिक करके सेंड करें। दीप, जहां ज्ञान का दीप जले वहां
क्या होता है? क्या होता है? उत्तर है, उत्तर है बच्चों, दुख नहीं रहता, रहता। ओके, ये आप चार क्वेश्चन अपनी कॉपी में करिएगा और इसका फोटो क्लिक करके आप लोग क्लास ग्रुप में डालेंगे। तो बच्चों टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और एग्जाम अच्छे से करिए।